पॉपुलर टीवी एक्टर कुशाल पंजाबी की मौत ने हर किसी को शोक में डाल दिया है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर कुशाल के साथ ऐसा क्या हुआ कि सुसाइड जैसी नौबत आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुशाल ने 24 घंटे पहले ही आत्महत्या का मन बना लिया था। इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुशाल ने अपने ग्रोसरी स्टोर और नौकरों की पेमेंट 24 घंटे पहले ही क्लियर कर दी थी। शायद वो ये नहीं चाहते थे कि किसी का बकाया रखकर वो इस दुनिया से जाएं। आपको बता दें कि बांद्रा के घर में कल कुशाल पंजाबी की लाश लटकती हुई मिली थी। उनकी बॉडी के पास सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। 37 साल के एक्टर की मौत को लेकर फिलहाल पुलिस इस बारे में कुछ भी कहने से कतरा रही है। बता दें, कुशाल पंजाबी ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल और डांसर के तौर पर की थी। साल 2015 में कुशाल ने एक यूरोपियन लड़की से शादी कर ली थी। उनका एक बेटा भी है। पॉपुलर टीवी शो इश्क में मरजावा के एक्टर कुशाल पंजाबी की मौत की खबर सामने आने के बाद टीवी जगत के बाकी सेलेब्स भी शॉक में हैं। टीवी एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर कुशाल पंजाबी की मौत पर शोक प्रकट किया है और उनकी आत्मा की शांति की दुआ की है। हर किसी ने सोशल मीडिया पर कुशाल की मौत पर दुख जाहिर किया है। वहीं कुशाल पंजाबी की मौत के बाद रोहित रॉय ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। आपको बता दें, रोहित रॉय कुशाल पंजाबी के खास दोस्त हैं। दोस्त कुशाल की मौत का सदमा रोहित को इस हद तक लगा है कि वो माफी मांग रहे हैं। रोहित ने सोशल मीडिया पर कुशाल के साथ न होने के कारण उनसे माफी मांगी है। रोहित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, किसने सोचा होगा कि उस ब्राइट मुस्कुराहट के पीछे एक परेशान दिमाग था। जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त हम तुम्हारे साथ नहीं थे। उसके लिए सॉरी कुशाल। रेस्ट इन पीस माय ब्रदर। मैं अभी भी सदमे में हूँ। मैं उस दर्द को नहीं समझ सकता जो तुमने फील किया और जिसकी वजह से तुमने ये किया। रोहित ने आगे कुशाल की मेंटल हेल्थ के बारे में भी लिखा। उन्होंने पोस्ट में लिखा, मानसिक बीमारी को लेकर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। अपने करीबी लोगों से इस बारे में बात करें। मुझे विश्वास है कि इससे मदद मिलेगी। भले ही आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बिजी है, फिर भी पहुंचे, वे समय देंगे। मानवता अभी तक मरी नहीं है। फिल्म और टीवी एक्टर कुशाल पंजाबी की मौत पर एक्टर अक्षय कुमार ने भी शोक जताया है। बता दें, अक्षय ने कुशाल के साथ फिल्म अंदाज में काम किया था। अक्षय ने एक इवेंट में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, कुशाल ने मेरे साथ फिल्म अंदाज में काम किया था। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ इसे समझने में कामयाब होते हैं तो कुछ नहीं। हमेशा याद रखिए कि परिवार सर्वोपरि है। हर मुसीबत का सामना करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी खूबसूरत है। आपके माता पिता ने ये खूबसूरत जिंदगी दी है, बस उस पर काम कीजिए और डिप्रेशन हो तो उससे भी लड़िए। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है कि डिप्रेशन से लड़िए और जिंदगी खत्म मत कीजिए, मगर मुझे मौका मिले तो मैं डिप्रेशन पर एक फिल्म करना चाहूँगा, क्योंकि ये भारत में बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। वहीं प्रोड्यूसर एक्टर फरहान अख्तर ने भी कुशाल को याद किया। फरहान अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा, कुशाल पंजाबी की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध और दुखी हूँ, जिन्होंने अपने हाथों अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लक्ष्य में उनके साथ काम करने के दौरान की खूबसूरत यादें हैं। तुम बहुत याद आओगे भाई। भगवान परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। इसके अलावा एक्टर जॉन अब्राहम ने भी ट्वीट कर कुशाल पंजाबी की मौत पर शोक जाहिर किया। कुशाल ने डेढ़ पन्ने का इंग्लिश में सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी दौलत का 50% हिस्सा उनके माता पिता और बहन में बराबर बांट दिया जाए। इसके अलावा बाकी की बची 50% संपत्ति कुशाल ने अपने 3 साल के बेटे के नाम कर दी है। बता दें, कुशाल ने दन दनादन गोल, अंदाज, लक्ष्य, काल जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वो CID, देखूं मगर प्यार से, कभी हाँ कभी ना, कसम से, फिर कोई है, फेयर फैक्टर और झलक दिखला जा जैसे टेलीविजन शोज में काम कर चुके हैं। इसके अलावा कुशाल ने हाल ही में कई वेब सीरीज में भी काम किया था। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।